एक सीजन में और सारे सीजन को मिलाकर भी सबसे ज्यादा 868 या 1000 का आंकड़ा सबसे पहले ये छुएंगे। छू लिया है, लेफ्ट कवर को दावा कर रहे हैं प्रदीप। विदेशी खिलाड़ी है, रेडिंग में 9/10 है, लेकिन पिछला सीजन एकदम खामोश था। और ये लीजिए खामोशी तोड़ी, फरहाद को किक लगाई, JKL पहली कामयाबी मिली। आपको दिख रहे हैं आदि राइट कॉर्नर, इस्माइल राइट इन। सिद्धार्थ देखिए किस तरह से डिफेंस को हिला रहे, बहुत बढ़िया। आदि अस्तरोक राइट कॉर्नर, सिर्फ 3 डिफेंडर बाकी हैं यहां पर तेलुगु टाइटंस के। ये पट्टा पायरेट्स ने दिखाया, सुपर टैकल लीजिए, टाइटंस की पार्टी शुरू। प्रो कबड्डी के रेडिंग में, ओहो, यहां जयदीप ने काम किया 50वें मैच में। बिल्कुल, कोचेस के पास वो स्वाधीनता होती है तो अपनी मर्जी के मुताबिक प्लेयर्स को अंदर बाहर कर सकें। यहां पर ब्लॉक किया जयदीप ने, अद्भुत ब्लॉक, बच्चों पर पूरा जोर, सामने झुके, खुद रेड करने जाएंगे तब भी अटैक करेंगे, ये क्लेवर स्ट्रेटजी है। और ये है चेन, बहुत ही आक्रामक, बॉक लाइन के आसपास ब्लॉक किया जयदीप, शाबाश, चौथा पॉइंट जयदीप का। सिद्धार्थ देसाई को बाहर रखा है विपक्षी टीमों ने, जहां भी डुओ डाई रेड है। संजय जयदीप, क्या अद्भुत वेस्ट होल्ड, हाई फाइव पूरा। हाँ, अकेले जयदीप डिफेंडर 5 पॉइंट ले गए हैं। ये लीजिए छठा पॉइंट, जी नहीं, सिद्धार्थ बाहुबली देसाई अपनी फुर्ती दिखाई। बिल्कुल जोश में, होश नहीं खोना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी की वजह है। और इस बार बढ़िया प्रदीप और सिद्धार्थ की जंग में, प्रदीप आगे हैं, लेकिन सिद्धार्थ को और सूरज को खामोश रखा है हादी और स्ट्रोक और जयदीप ने। ये देखिए किस तरह से डिफेंस को हिलाने की कोशिश करते हैं, अचानक एक्सेलरेट करते हैं, और ये काम हो गया प्रदीप परवाल का, या इनका खाता अब तक भी नहीं खुलेगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, डिफेंस को यहाँ संयम बरतना है, बहुत ज्यादा अग्रह, संयम छोड़ा, सूरज का हौसला तोड़ा। राइट कॉर्नर पीठ उन्होंने दिखाई थी एक क्षण के लिए, लेकिन फिर भी डिफेंस की हिम्मत हुई नहीं, इनको पकड़ने की टाइम निकला है। प्रदीप दबोचे गए, लगातार दूसरी बार आउट। दादा अब क्या छोटा मोटा शंखनाद मान ले वापसी का? बिल्कुल, शंखनाद अब माना जा सकता है। सिद्धार्थ देसाई यहां पर 4 के डिफेंस में आखिरी 10 मिनट में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन वो सिर्फ आंकड़े हैं। एक्सप्रेशन देखिए, दिल टूट गए हैं, 2 बार वो आउट हुए डुओ डाई में। यहां सुपर टैकल, नीरज कुमार छा गए, यहां सुपर टैकल हो गया, ऑन था और उस ऑन पर काम हो गया। ये पटना का हमला है, ये क्या बात है, अभी तक स्ट्रगल जारी है, विसल बच चुकी है। आखिरी 4.5 मिनट है, क्या ये लीजिए एक और कामयाबी। बिल्कुल ठीक कहा सुनील, इस समय अगर प्रदीप अग्रवाल बार बार डू और डाई में फंस रहे हैं तो उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है। ये देखिए डबल फाइव मोनू, शाबाश। मैच का रिजल्ट तय हो चुका है, लेकिन जैंग कुन ली को आज 3 पॉइंट मिले हैं, ये चौथा, ये अच्छी बात है। तेलुगु टाइटंस के लिए अपने होम लेग का अंत बेहद निराशाजनक रहा है, लगातार चौथा मैच वो हारे हैं। आदि अस्तरोक मिला गर्दन को, कहना चाहिए एक तरह से उपहास करने की कोशिश कर रहे थे कि तालियां बजा कर के, चलिए।